हेलो दोस्तों, मैं हूं निखिल। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एंड नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि काफी सारे लोगों का जो यूट्यूब चैनल आजकल मतलब बहुत ज्यादा बना रहे हैं, काफी सारे लोग यूट्यूब चैनल बना रहे हैं। तो इसमें यूट्यूब चैनल बनाने के बाद आपको मतलब जो सबसे जो बेसिक चीज है वो आपको मतलब कर लेना चाहिए, जैसे कि आपको ये बेसिकली 100 सब्सक्राइबर के बाद आपको मिल जाएगा। इसको बोलते हैं आपका जो कस्टम यूआरएल, उस बोलते हैं। आप जब देखिएगा मतलब अपना चैनल का जो लास्ट में देखिएगा तो ये यूआरएल ये मतलब काफी लंबा हो जाता है। तो इसमें मतलब आपका अकाउंट उतना मतलब जो कस्टम यूआरएल है यूआरएल उतना अच्छा नहीं लगता। अगर किसी को आप अपना चैनल का लिंक भेजते हैं तो वो उतना अच्छा नहीं लगता देखने में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना जो कस्टम यूआरएल, जैसे कि मेरा नाम है, मेरा जो चैनल का नाम है टेक्निकल एंड नॉलेज, तो जो मेरा कस्टम यूआरएल है तो वो जैसे स्लैश में www.youtube.com ऐसे है, उसके बाद फिर स्लैश में टेक्निकल एंड नॉलेज है, वैसे ही आप कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना जो भी चैनल है, जो भी चैनल का नाम है, उसके नाम से मतलब अपना जो कस्टम यूआरएल है उसको कैसे बनाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा जानकारी बताने वाला हूँ कि आप उसको कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो के आगे बढ़ने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, लाल बटन है नीचे वो बिल्कुल फ्री में हो जाता है, और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कस्टम यूआरएल कैसे ले सकते हैं, तो उसके पहले सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, जैसे क्रोम ब्राउजर। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है यूट्यूब स्टूडियो, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे यूट्यूब स्टूडियो, आपको यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो लिखना है। तो यहाँ पे देखिए यूट्यूब स्टूडियो आ जाएगा, यूट्यूब स्टूडियो आपको लिखने पे यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो पे क्लिक करना है जो आएगा, उसके बाद आपको कंटिन्यू टू स्टूडियो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा लोडिंग होगा, ये सब मतलब डिपेंड करता है ये नेटवर्क पे, और मतलब जो भी नेटवर्क है वो सब पे डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो लोडिंग हो जाएगा आपका चैनल। तो यहाँ पे देखिए कस्टम यूआरएल के लिए सबसे पहला आपको 100 सब्सक्राइबर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 103 यहाँ पे दिखा रहा है। और उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो डॉलर का नीचे है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोडिंग होगा, तो देखिए लोडिंग हो चुका है। अब आपको यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे बेसिक इन्फो पे क्लिक करना है, और नहीं तो आप लेआउट पे भी कर सकते हैं। बेसिक इन्फो पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्शन हो गया और ये सब लिंक हो गया, और आपको नीचे यहाँ पे दिखाई देगा लिंक सेट कस्टम यूआरएल फॉर योर चैनल, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो भी चैनल का नाम होगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे आ चुका है। तो उसके बाद आपको अगर कुछ इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप ये ही रख सकते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है देखिए मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पे व्यू चैनल कैंसल, और साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा पब्लिश, तो आपको पब्लिश पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करना है, और नहीं तो आप यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे कस्टम यूआरएल पे आप अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं, कुछ अलग भी रख सकते हैं, और नहीं तो मतलब आप वहाँ पे नंबर भी रख सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी अपना चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन जो आपका नेम रहेगा चैनल का वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा और वो कमेगा नहीं, मतलब वो जैसे कि एक होता है ना जैसे डिलीट करना, तो वो नहीं होगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म करना है, जो भी आप अपना कस्टम यूआरएल किए हैं तो इसको कन्फर्म कर दें। कन्फर्म करके जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कन्फर्म करने का ऑप्शन आया हुआ है, तो आपको यहाँ कन्फर्म कर देना है। और कन्फर्म करने के बाद आपको ऊपर जो पब्लिश दिखाई दे रहा है वहाँ पे पब्लिश करके कन्फर्म कर दें। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद। तब तक के लिए धन्यवाद। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.